हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ होश उड़ाने वाले बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनसे आपके डेली के काम आसान बनेंगे, साथ ही बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। हमारी जो सबसे पहली टिप है, इस तरह के नए वाले आलू को लेकर। आजकल सर्दी का मौसम आ चुका है और ये हमारे जो नए आलू हैं, इनको जब हम लेकर आते हैं तो ये शुरू में महंगे भी बहुत मिलते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि ये ख़राब भी जल्दी होते हैं। और आलू ऐसी चीज़ है दोस्तों जिनको हम फ्रिज में नहीं रख सकते, तो इसको स्टोर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू को आप किसी बास्केट में इस तरह से गहरे बर्तन में पहले बिछा लीजिए। आलू की एक ही लेयर होनी चाहिए, उसके बाद से हम इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इसको स्प्रिंकल करने के बाद आपको करना ये है कि एक लेना है कोई सा भी पेपर का टुकड़ा, आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर या फिर कोई सूती कपड़ा, वो लगा दीजिए और उसके बाद से एक लेयर वापस से इन आलू की डाल दीजिए। और उसके बाद से वापस से सेम तरीके से जैसे हमने सोडा डाला था, वैसे ही हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे। आलू की जितनी लेयर लगाकर आपको स्टोर करना है उतना आप कर सकते हैं। एक बार आप थोड़े ही आलुओं को स्टोर करके देखिएगा। तो इस तरीके से हमारे ये आलू जो हैं 8 से 10 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इन्हें खुले में इस तरह से छोड़ दीजिए, हवा लगने दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और सोडे की वजह से इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो बना रहता है। नेक्स्ट टिप है बेल्ट को कैसे रखें। बेल्ट को जब हम टांगते हैं तो इनमें कभी कभी क्या होते हैं, फंगस जैसी चीज़ लग जाती है या फिर बेल्ट खुद से ही कटने लगते हैं। बेल्ट बहुत यदि पुरानी हो जाती है, बेल्ट जगह भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं। अगर आप भी बहुत सारी बेल्ट को यूज़ करने के शौकीन हैं तो ये क्लिप ज़रूर देखिएगा। बेल्ट को मोस्टली हम लोग कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं दोस्तों, और इसको जब हम इसको रखते हैं कहीं भी तो ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, आपको इसको करना है उल्टे अंदर तरीके से, अंदर में आपको बेल्ट को एक घुमाव देना है। बेल्ट को जब हम इस तरीके से रखते हैं तो बेल्ट जगह भी कम लेता है, साथ ही एक इतना सुंदर सा रोल बनकर तैयार हो जाता है जिसको रखना आप इसको किसी डब्बे में रख सकते हैं, बेड के अंदर रख सकते हैं, अपनी अलमीरा या कबर्ड वगैरह में भी कम जगह में भी रख सकते हैं। इसके बाद से आप चाहें तो इस तरह से रोल करके आप इस पर रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए 3 बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखा है, ये जगह भी कम लेते हैं। इसको आप 1 by 1 ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, साथ में भी रख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इनको टक करके छोड़ दीजिए। रबड़ बैंड भी लगा लीजिए या फिर बिना रबड़ बैंड के भी ये खुलते नहीं हैं। तो इस तरह से बेल्ट के स्टोरेज का ये आइडिया आपको कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा काम की है दोस्तों। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के पुराने मास्क को लेकर। ये जो पुराने मास्क होते हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार अब क्या होता है कि कोविड का टाइम नहीं है तो कोई भी मास्क को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर हमारे घर में इस तरह के मास्क जरूर पड़े हैं। और हमारा जो ये मास्क होता है डिस्पोजेबल वाला, इसके बहुत सारे बेहतरीन इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड वाला पार्ट इस तरह से कट कर लेंगे। और मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर हमारे जो मास्क होते हैं इसमें होते हैं कुल 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में ये मास्क बना हुआ होता है। तो ये तीनों लेयर्स को आज मैं अलग अलग करके तीनों लेयर्स का अलग अलग आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ। और ये जो एक मास्क से हम मल्टीपर्पज़ यूजेस कैसे ले सकते हैं आपको देखकर खुद हैरानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको निकाल कर अलग कर देती हूँ। आप इसको सीजर से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपल थोड़ा काम को फास्ट करने के लिए हाथों से ही निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी सेकेंड लेयर भी निकल कर तैयार हो गई। और इसकी हर लेयर खुद में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप खुद सोचेंगे कि मास्क के इतने सारे यूजेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मास्क से इससे पहले आपने एक ही यूज़ देखा होगा कि हम लोग साबुन वगैरह डालकर और टॉयलेट के उसमें डाल देते हैं फ्लश टैंक में। लेकिन इस बार मैं करने वाली हूँ इसका बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल। अब हमारी ये जो सबसे लास्ट वाली लेयर है ये काम आती है ग्लासेस को क्लीन करने में। जैसे हमारे स्पेक्स ग्लासेस हो गए, या फिर हमारे कमरे में कोई विंडो है जहाँ पर इस तरह के ग्लास हैं, या फिर कांच के बर्तन हैं, या फिर जैसे हमारी ये मोबाइल का स्क्रीन है दोस्तों, तो इस पर आप कोई सैनिटाइज़र या फिर कोलिन वगैरह डालकर बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये जो लास्ट लेयर होती है ये इसी तरह के काम में आती है। अब जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो काम आती है इस तरह के सिंक की जालियों में, जहाँ पर कचरा जाने का डर होता है। तो कई बार क्या होता है, किचन में कितना भी हम इस तरह की जाली फिट करें लेकिन इसके साइड वाले पार्ट से थोड़ा थोड़ा कचरा तो जाता ही जाता है। अगर उस कचरे को भी हम छान दें तो हमारा सिंक कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो यहाँ से साइड से जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से कचरा जाता ही है। जैसे हरी पत्तियाँ जो मैं वॉश करती हूँ, छोटे छोटे साग वगैरह के टुकड़े, वो इससे बहकर चले जाते हैं। इस वजह से सिंक कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर मास्क की ये पतली वाली जो सबसे ऊपर की लेयर है वो लगा दीजिए और जाली में बिल्कुल भी कोई भी कचरा नहीं जाएगा। अब जो हमारी जो एक लास्ट लेयर बची थी सबसे बीच वाली, उसका मैं यूज़ बता रही हूँ। उसको आप यूज़ कर सकते हैं लेदर की किसी भी चीज़ को क्लीन करने में, चाहे वो शूज़ हो,
पर्स हो या फिर वॉलेट वगैरह हो। तो यहाँ पर मैं लेदर की एक शूज़ है जिसको मैं क्लीन करके दिखा रही हूँ। पहले शूज़ को अच्छे से मिट्टी वगैरह हटा देते हैं और इसके बाद से हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक सैनिटाइज़र। तो थोड़ा सा सैनिटाइज़र मैंने यहाँ पर मास्क की इस लेयर पर डाल दिया है और देखिए सैनिटाइज़र से हमारी शूज़ जैसे ही हम इसको क्लीन करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से चमकने लगती है। शूज़ पूरी की पूरी नई जैसी दिखने लगी है। ये देखिए चारों ओर से इसको अच्छे से आप सैनिटाइज़र से रब कर दीजिए। अलग से इसको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारा पूरा शूज़ जो है बहुत अच्छे से चमक कर तैयार हो चुका है ना दोस्तों, एकदम कमाल का आइडिया। लेदर के कोई पर्स वगैरह हो, वॉलेट हो आपके घर में, वो भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए अब आते हैं मास्क की इन डोरियों पर। ये डोरियाँ भी बड़े काम की होती हैं, दिखने में तो बहुत छोटी सी होती हैं पर इनका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने दो डोरियों को ले लिया है, दोनों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल बताऊँगी। हमारा जो पहले डोरी का इस्तेमाल है वो है इस तरह की पॉलीथीन्स को बांधने को लेकर। हम अक्सर इनमें पिन लगाते हैं, रबड़ बैंड लगाते हैं, पर कभी ना ही रबड़ बैंड हो घर में ना ही प्लास्टिक के पिन हो, तब इन डोरियों का इस्तेमाल कर लीजिए। जो हमारे ये ईयरफोन के वायर्स होते हैं घर में बहुत ज़्यादा बिखरे होते हैं या फिर चार्जर के तार होते हैं वो बिखरे रहते हैं घर में, अच्छा नहीं लगता। इनको अच्छे से फोल्ड करके और इन डोरियों से बांध कर रख देंगे तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और फिर ये उलझते भी नहीं हैं। साथ ही हम डोरियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से मास्क की डोरियों का इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं, किसी और चीज़ को भी बांधने में कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इनका इस्तेमाल करिए। होप करती हूँ दोस्तों कि ये मास्क के हर लेयर का, हर डोरी का इस्तेमाल आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो टिप है नेल आर्ट को लेकर। हम लोग जब नेल पेंट लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें दो कलर की नेल पेंट अप्लाई करनी होती है, पर उस टाइम पर वो काफ़ी लीपा पोता सा महसूस होता है। उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि जो भी नेल पेंट आपको अप्लाई करनी है वो आप अपनी, जैसे मान लीजिए हम लगाते हैं, हमें एक लेयर पिंक कलर की लगानी है और उसके बाद से हमें दूसरी लेयर लगानी है, तो मैंने क्या किया है कि लिया है टेप का एक छोटा सा टुकड़ा और मैंने पहले से ही अपने नेल पर वाइट कलर की नेल पेंट लगा रखी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसा भी नेल आर्ट हमें लगाना है वैसा ही हम टेप को अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो मैंने स्लैंट में किया है, यानी कि तिरछे में किया है, और उसके बाद से हमें जहाँ पर पिंक अप्लाई करना है वो मैं अच्छे से, एकदम अच्छे से ब्रश को फैलाते हुए लगा लूँगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने टेप को लगा रखा है, और इस तरह से हमारा नेल आर्ट बहुत खूबसूरत सा बन जाता है टेप की मदद से। तो जैसे ही आप इसको लगा लीजिए इस तरीके से, आपको सूखने का भी वेट नहीं करना है, बस आप इस टेप को निकाल दीजिए। ये लीजिए टेप को खींच कर निकाल देते हैं और हमारा बढ़िया सा वाइट और पिंक कलर का नेल आर्ट बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस पर नेल आर्ट और भी ज़्यादा कर सकते हैं, वाइट पर भी आप पिंक की थोड़ी डॉट वगैरह लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक सैंपल लगाकर दिखा रही हूँ। होप करती हूँ दोस्तों पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।